हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और मैं रिएक्ट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ट्रिब्यूट टाइप का वीडियो है, ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रिजवान, फ्रॉम जीरो टू हीरो मोहम्मद रिजवान। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। बहुत सारे लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते थे कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आज वो नाम बन गए हैं बहुत बड़ा। चलिए वीडियो को देखते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इट इज हाउ इट इज। टीम कॉम्पोजिशन में अगर वो नहीं आता तो वो नहीं आ सकता, नो डाउट। वो हमारा नंबर वन पाकिस्तान का कीपर है, लेकिन अगर वो हमारे स्क्वाड में या हमारी प्लेइंग लेवल में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, कांट हेल्प इट। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा मैं अपने अंदर फील नहीं कर रहा, क्योंकि सारे यही कह रहे हैं कि यार रिजवान चिक्का नहीं मार सकता। मेरे पाकिस्तानी की परफॉर्मेंस हम लोग उठा, पाकिस्तानी की मैं स्टिल कह रहा हूँ, जहाँ पे जब इंग्लैंड लाइन आई थी, न्यूजीलैंड के अच्छे प्लेयर थे, उस पूरी सीरीज में मेरे 19 चक्के थे। बाकी है तुझ में हौसला, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन। जब 2016 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया तो सरफराज अहमद की मौजूदगी में वो बैट्समैन की हैसियत से खेले, सिफर पर आउट हो गए। सरफराज कप्तान थे, रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ रहा करते थे, लेकिन सिर्फ बेंच पर बैठते थे। एक बार पीएसएल में खुद को मनवाने का मौका जरूर मिलता था। बार बार खिलाड़ी थी है कि मैं 2 साल लाहौर कलंदर से खेलूं, 2 साल कराची से खेलूं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीमें बॉटम पे आई है, ये सबसे बेस्ट मेमोरी है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमों में शामिल भी रहे, लेकिन उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से उनकी अपनी फ्रेंचाइजेस भी उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया करती थी। अगर कभी मौका मिल भी जाए तो वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। वो हमारे स्क्वाड में या हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, कांट हेल्प इट। क्रिटिक्स, शायकीन, साबिक क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स की नजर में मोहम्मद रिजवान एक ऑर्डिनरी प्लेयर थे, लेकिन 2019 में श्रीलंका से T20 सीरीज में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, फिर वो टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए, उनकी जगह इनको रखा गया। एक चांस कामयाबी का, वहीं से चमका रिजवान की किस्मत का सितारा। इस मौके को रिजवान ने हाथ से जाने नहीं दिया। वो रिजवान जिसको कहा जाता था कि वो छक्के नहीं लगा सकता, उसने दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स की दुर्गत बना दी। हरीफ ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर भारत, रिजवान ने हर बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन्स किए, हर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी बनते गए, हर फतह में उनका हिस्सा भी नुमाया नजर आने लगा। एक के बाद एक कामयाबियों के बाद रिजवान दुनिया के टॉप बैट्समैन बन गए। T20 वर्ल्ड कप में जब भारत से मुकाबला हुआ तो रिजवान ने अपनी बैटिंग से उस मैच को वन साइडेड बना दिया। यार कोहली ने गले लगा लिया। मोहम्मद रिजवान कोई आम क्रिकेटर नहीं, उनका शुमार लेजेंड्स में भी नहीं होता, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बात है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करे, लेकिन रिजवान ने इस ख्वाहिश के लिए भी कुछ अलग ही कर दिखाया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से एक दिन कब ICU में गुजारने वाले रिजवान ने मैच में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि वो टॉप स्कोरर बन गए। उनकी इस हिम्मत को देखकर फैंस और साथी खिलाड़ी क्या डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। क्रिकेट जहाँ जहाँ खेली और देखी जाती है वहाँ बसने वाला हर शख्स रिजवान की सलाहियतों का कायल हो गया। T20 में सुस्त बैटिंग का ताना देने वाले उस वक्त हैरान रह गए जब 2021 में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा रन्स बनाकर क्रिस गेल को भी इस फॉर्मेट में पीछे छोड़ दिया। अगर वो हमारे
स्क्वाड में या हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, कांट हेल्प इट। मोहम्मद रिजवान जो पीएसएल में कराची किंग्स की टीम में होने के बावजूद प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए थे, गुज़श्ता साल मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान बने, टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन बने और अपनी टीम को टाइटल भी जितवा दिया। पीएसएल की सी और डी कैटेगरी में शामिल होने वाले रिजवान अब प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बन गए और पीएसएल के सीजन 7 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। वाह, पानी पिलाते थे, वाह, बारवा तेरवा खिलाड़ी बन गए। मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि अल्लाह पाक इनके दिल में खुद डाले, तो मैं से कोई गिला शिकवा किसी से नहीं करता, मगर सिर्फ इस चीज पे चल रहा हूँ। वाह यार, सैल्यूट है इस बंदे को, किसी से गिला शिकवा नहीं। जब कदम उठ गए मंजिले ठान के, क्यों नजर हर चीज मुकाबिल आ जाए। हो या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। तो ये थे मोहम्मद रिजवान, द ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रिजवान, रिजू क्या कहते हैं इन्हें, असिस्टेंट पता नहीं क्या क्या इनके नाम भी डाल रखे हैं लोगों ने। अब आकर वो कामयाबी इन्हें हासिल हुई है कि लोग इन्हें प्यार से रिजू बुलाते हैं, रिजू द वॉरियर, मैच चेजर और पता नहीं क्या क्या इनको प्यार से नाम दे रखे हैं लोगों ने, इनके चाहने वालों ने। एंड ये उस काबिल भी हैं, इन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया है। यार वो जो इमोशनल मोमेंट था कि कोई बोलता था, मतलब कोई नहीं, सब लोग बोलते थे कि बंदा छक्के नहीं मार सकता, ये बंदा छक्के मार नहीं सकता, रिजवान छक्के ही नहीं मार सकता। तो मतलब इनको एज अ बैट्समैन बहुत कम चांस मिला था, कीपिंग के लिए इनको रखा हुआ था जिसमें परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन के तौर पर इनको उभर कर आना था। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो मौके नहीं मिल रहे थे, वो मौके मिलने के बाद भी फेलियर हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने टर्न मारा अपनी किस्मत से और ले गए उन ऊंचाइयों पे अपनी किस्मत को जहां लोग आज इन्हें पहचानते हैं। सबसे ज़्यादा रन, छक्के, वक्के गिनते गिनते थक गए हैं लोग कि कितने छक्के मारेंगे। जो लोग कहते थे कि छक्के नहीं मार पाएगा, आज वो छक्के गिनने के लायक नहीं है क्योंकि वो गिन नहीं सकते कितने छक्के मार चुके हैं ये। तो सल्यूट है इस बंदे को, लेकिन इसकी सोच को उससे ज़्यादा सल्यूट है। इन्होंने क्या बोला था, कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रहे थे कि लोग कहते हैं कि रिजवान छक्के नहीं मार सकता, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने पॉजिटिवली लिया है कि मैं खेलूँगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ इनकी पॉजिटिविटी थी इनके अंदर और इन्होंने करके दिखाया, दुनिया को साबित कर दिया कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ है। लोगों का बिलीव नहीं था, जैसे कि दूसरा बंदा इनकी शायद वो पीएसएल में किसी टीम का मैं नाम नहीं जानता उनका, जिन्होंने बोला था कि वो टीम में नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। और वो एक इमोशनल मोमेंट जब वो 12वें 13वें खिलाड़ी बनकर वहाँ पर बैठे रहते थे और लोगों को पानी पिलाना और ये सब कुछ करना, ये बुरी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको एंट्री मिल गई है टीम में, लेकिन वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है असली 12वें खिलाड़ी से 11वां खिलाड़ी बनने का, गैप बहुत छोटा है, 12वें से 11वें पे आने का सीढ़ी बहुत छोटी है, लेकिन ये सीढ़ी तय करने में बहुत वक्त भी लग जाता है लोगों को, लेकिन रिजवान ने कर लिया वो। और आपकी रिक्वेस्ट पे था ये वीडियो, आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिजवान के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, एंड दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इस
इनके बारे में जानकर, इनके ये ट्रिब्यूट वीडियोस देखकर बहुत ही सही लगा। मतलब एक बंदा जिसको कोई पहचानता नहीं था, आज उसने सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।